बात करेंगे बच्चों में जबड़े आगे पीछे होते हैं तो पेरेंट्स को क्या वो बातें ध्यान देने वाली हैं, और एक लाइव केस में हम समझेंगे कि कैसे विजुअल ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव पेरेंट खुद घर में करके देख सकते हैं और ये असिस्ट कर सकते हैं क्या वो इजीली ठीक हो पाएंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सारी। अधिकतर क्या होता है कि जॉ आगे पीछे ग्रो होते हैं, जैसे कि हमारे पास आज एक बच्चा है तो क्या है कि नीचे का जबड़ा छोटा है और ये बचपन से ही छोटा रह जाता है पीछे और ऊपर वाला जबड़ा बाहर आ जाता है। अधिकतर ये देखने में आता है कि पेरेंट्स को लगता है कि जबड़ा ऊपर का बाहर आया है पर हमारा जो नीचे का जबड़ा है वो पीछे होता है। तो उसीलिए हम पेरेंट्स को और अपना ट्रीटमेंट भी जब स्टार्ट करते हैं तो ये एक मैन्यूवर करते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं जिससे कि हमें उसके ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव पता चल जाता है कि इसको कितनी आसानी से करा जा सकते हैं, इसमें कितनी कठिनाई आने वाली है। ठीक है, तो बेटा आप पहले मुंह खोलिए। अब जैसे आप बाइट करते हो ना वैसे बाइट करो। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो नीचे वाला जबड़ा है काफी पीछे है, क्लियर नहीं आ रहा, ये काफी पीछे है और पेरेंट्स को लगता है कि ऊपर वाला जबड़ा बाहर है। साइड के दांत भी देखेंगे तो पूरा क्रॉस बाइट में है, इसको सीजर बाइट बोलते हैं, कैंची जैसा। नीचे वाले दांत पूरी तरीके से पीछे हैं, हालांकि होता क्या है कि एक दूसरे के बीच में इस तरह से इंटरकनेक्टेड होते हैं जो नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये जो है क्रॉस बाइट है और मैंडिबुलर हाइपोप्लास्टिक है, यहाँ पे नीचे का जबड़ा जो है वो धीरे और छोटा बना है। अब आप मुंह खोलिए, अब इस जबड़े को आगे लाने की जो एक्सरसाइज सिखाइए वैसे आप करके दिखाइए हमें, तो पेरेंट्स को भी समझ में आए इस तरीके से वो कैसे कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। यस, वेरी गुड। तो ये है ट्रीटमेंट ऑब्जेक्टिव। जब हम इस पोजीशन में होते हैं तो हमें ये फाइनल पोजीशन अचीव करनी है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, पीछे की तरफ गैप दिखने लग गया है लेकिन आगे का जो दांत है बच्चा आसानी से नीचे वाली हड्डी आगे ला पा रहा है। तो यहाँ पे हम मायो फंक्शनल अप्लायंस यूज करेंगे और एक छोटा सा अप्लायंस हम डिजाइन करके इनको देने वाले हैं जिससे कि ये नीचे के जबड़े को आगे की तरफ पोजीशन करने की एक रिमाइंडर थेरेपी बनती रहेगी और जो हमारे जबड़े हैं जहाँ जॉइंट TMJ है, जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, वहाँ से हमारा पूरा सिग्नलिंग क्रेनियोफेशियल जो है हमारी नर्व्स का सिग्नलिंग होगा और ये जॉ को इस पोजीशन में डेवलप करने के लिए सिग्नल करेगा। तो ये जो सारी साइंस है ये मसल ड्रिवन है, मसल्स सिग्नल देंगी बोन को कि आप इस डायरेक्शन में ग्रो कर जाइए। तो ये मायो फंक्शनल अप्लायंस या ओरोफेशियल मायोलॉजी का एक विषय बनता है यहाँ पे, जिसमें हम फंक्शनल डेंटिस्ट्री को भी लेते हैं। तो इस केस को हम आगे और भी अच्छे से डिस्कस करते रहेंगे और बताते रहेंगे कैसा इंप्रूवमेंट हो रहा है। और बहुत अच्छी बात है कि इस बिटिया ने बहुत अच्छे से ये मैन्यूवर किया है, एक बार समझाने पे सीख गई है। हर पेरेंट इस तरह से करके देख सकता है, एक छोटा सा वीडियो इस तरह का बना के हमारे लिए भेज सकता है, हम अपने कमेंट उनको दे पाएंगे।